हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी। आप जानना चाहें किस तरह से आपके घर में होता सेलिब्रेशन, या आप लोग कैसे करते हैं? पूजा करते हैं कान्हा की, फिर हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और नेक्स्ट डे इट्स लाइक अ बिग थिंग, बहुत भीड़ होती है, बट वी ट्राई कि हम वो दही हांडी देखें कि वो कैसे यू नो ऊपर चढ़ के फोड़ते हैं। आई लव दैट, सो वी ट्राई टू गो एंड सी। आपने भी यू नो कृष्ण का अवतार लिया है, स्मॉल स्क्रीन की बात करें, वो मोमेंट याद आता है कैसे, क्या? वेरी डिवाइन काइंड ऑफ फीलिंग दैट इज यू नो, और वो गाना अपने आप ही चलता रहता है, वो है अलबेला मद नैनो वाला वो किसना है, सो वो एक यू नो दिमाग में आ ही जाता है। सो या जैसा आपने कहा दही हंडी मुंबई का, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है, वो माहौल ही कुछ अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। आपने कभी किया? मैंने किया है, मैं बचपन में किया है मैंने, और मैं ऊपर से गिरा भी हूँ, मैं सेकंड नंबर पे था ऊपर, और मेरे ऊपर हम दो लोगों के ऊपर एक और जो चढ़ता है वो हंडी फोड़ता है, तो नीचे जब मटकी फूट गई थी और मैं कूदा था ना नीचे, तो मटकी का ही वो एक हिस्सा चुभ गया था, मतलब जो नीचे गिरा था ना, एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, बट वो मज़ा इतना आ रहा था तभी कि उसमें सब भूल गया था मैं, नेक्स्ट डे पता चला था। सो या तभी हम लोग बहुत करते थे, बट अभी तो देखना ही बेटर है। अगर कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें, यू नो राधा कृष्ण का नाम ना लें तो यू नो प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, अगर जैसे जाना चाहें कैसे याद, कैसे उनको याद करना चाहेंगे, कृष्ण को, उनके अवतार को कैसे देखते हैं आप? मतलब हम मतलब होता ना कि कृष्ण बहुत नटखट थे, फिर भोले भी थे, सो वो एक हमेशा याद रहता है, वो जो माखन खाना उनका, हाँ, तो वो एक मैं मतलब अपनी डॉटर को भी वो स्टोरी सुनाता हूँ कि व्हाट व्हिच इज़ द फेवरेट फूड ऑफ कानूड़ा, तो बोलते हैं कि माखन। सो या वो सारी मेमोरीज, वो एक वो सीधा वही दिखता है, द नटखटपना जो उनका है, और यू नो वो एक बहुत मुझे दैट्स व्हाट आई मतलब थिंक ऑफ। और बचपन की कुछ याद आती है आपको? बहुत सारे लोग जन्माष्टमी का सजावट भी घर में करते थे या देखने भी जाते थे, आपको कुछ याद आता है? याद मतलब इतना है कि मम्मा वो पूरा वो कृष्ण जैसा ऐसा वो कपड़े लेके पहना के ऐसा वो करके और हाथ में बांसुरी करके वो फोटोज भी खींचे हैं हमने, सो या वो याद आता है हमें। तो अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के मौके पर? आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, आई लव यू ऑल। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी।